हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में बनाने वाला एक मॉडर्न हाउस। थंबनेल में तो आपने देख लिया होगा ये हाउस कितना ज़्यादा एपिक होने वाला है। तो फटाफट से अपने बिल्ड को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें अपने मॉडर्न हाउस का फाउंडेशन बनाना होगा। तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। हमें 13 ब्लॉक्स आगे तक का इसे लेके जाना है। ओके, तो हमें 13 ब्लॉक्स की एक लाइन यहाँ पे बनानी है। इसके आगे हम यहाँ पे 8 ब्लॉक्स की एक और लाइन बनाते हैं। ये 1, 2, 3। अब हमें यहाँ से 5 ब्लॉक आगे की तरफ लेने हैं और यहाँ से फिर 2 ब्लॉक अंदर के साइड पे और फिर यहाँ से 6 ब्लॉक आगे के साइड पे और अब इसे इसके साथ मिला देना है उस इस टाइप से। तो हमारे मॉडर्न हाउस का फाउंडेशन बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बीच का जो डर्ट है इसे हटा देना है पूरा। ओके गाइस, तो फाइनली हमारे मॉडर्न हाउस का बेस बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे ग्रे कंक्रीट इधर पे लगाया और यहाँ पे स्टोन की ब्रिक्स लगा दिए जो कि काफी ज्यादा सही लुक दे रहा है। अब शुरू करते हैं अपने मॉडर्न हाउस को बिल्ड करना। तो हमें सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करनी है। यहाँ पे 5 ब्लॉक्स लगाना है। 2, 3, 4, 5। यहाँ पे आ जाएगा 6। तो ऑलरेडी 1 हो चुका है। 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे लेनी है 5 की ब्लॉक और ये बन गया सेम टू सेम। इसके ऊपर हमें यहाँ पे लगाना है जो ये लीफ काफ़ी अच्छे लुक देते हैं। इसके ऊपर फिर से हमें एक और सेम टू सेम प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है। एक साइड की वॉल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है हमारे दूसरे फ्लोर को बिल्ड करने की। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 3 ब्लॉक ऊपर लेना होगा। अब यहाँ से इसे कंटिन्यू करते हैं आगे तक का, जो कि यहाँ तक का लास्ट ब्लॉक। इसको लाते इस वाले साइड पे, फिर इसे लाते इधर पे। अब हमें बनाना है इसकी रूफ। तो मैं इसे यहाँ से कवर करना शुरू कर देता हूँ। ये कंप्लीट हो गई इसकी रूफ। तो 2 फ्लोर हमारे घर का बन चुका है ऑलरेडी। अब आ रही है हमारे मॉडर्न हाउस के सबसे मेन डिजाइन की, जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ से हमें 3 कॉन्क्रीट ऐसे करके रखना है, ग्रे वाली कॉन्क्रीट, और इसके ऊपर से 8 ब्लॉक्स इसे ऊपर लेके जाना है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेम टू सेम इस वाले पिलर को भी खड़े करने हैं। इसकी हाइट पे इसे भी लाना है और यहाँ पे इसे ऐसे कवर कर देना है। इसके पीछे पे भी हमें सेम टू सेम ये वाला पिलर बिल्ड करना है। तो इसकी रूफ को कंप्लीट कर देते हैं। ओके, तो मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। अब हमें बनाना है अपने फर्स्ट फ्लोर की रूफ, जिसके लिए सबसे पहले उसका बेस बनाना पड़ेगा। तो मैं इसका फ्लोर बनाने वाला हूँ वुड प्लैंक से, क्योंकि वुड प्लैंक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक देते हैं। तो हम इसे यहाँ तक का पूरा कवर कर देंगे। ऑलराइट, तो मैंने अपने मॉडर्न हाउस का फ्लोर तो पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हमें करना है इसके फर्स्ट फ्लोर की रूफ को कंप्लीट। तो हमें यहाँ से ब्लॉक को इस टाइप से लगाते हुए आगे तक का जाना है, जो कि हम इसे पूरा लगा देंगे। तो हमें इस रूफ को पूरा लास्ट तक का लगाना है, जहाँ तक का हमारे मॉडर्न हाउस का एरिया है। तो आई थिंक यही तक का है, नहीं एक ब्लॉक और आ जाएगा। तो हमें इसे पूरा यहाँ तक का ऐसे कंप्लीट कर देना है। अब आते हैं अंदर की तरफ को। यहाँ पे हमें इस प्लैंक को लगाना है पिलर टाइप का। यहाँ से ऐसे एक और बना देते हैं। ये एक्चुअली हमारे मॉडर्न हाउस का वॉल बन रहा है। तो इसे भी कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे इतना रहने देते विंडो के लिए। सामने के साइड पे भी विंडो के लिए जगह छोड़ देते। उसके लिए हम इतनी जगह छोड़ेंगे। आई थिंक ये वाला ब्लॉक एक्स्ट्रा लग गया। इसे तोड़ देते, इसे तोड़ देते हैं और इसे भी तोड़ देते। सामने के साइड पे इतना विंडो काफ़ी है। हाँ, इतना विंडो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब हमें करना है हमारे विंडोज़ को कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ग्लास। सामने के साइड पे एक बड़ी सी विंडो हमने छोड़ दी, यहाँ पे भी लगा देते ग्लास। और पीछे के साइड के विंडो के लिए इतना आई थिंक काफ़ी है विंडो। एक बार बाहर से इसकी लुक देख के आते हैं कैसी लग रही है। तो नीचे का फ्लोर हमारा कम्प्लीट हो चुका है। अब बारी ऊपर के फ्लोर। वेट, मैं यहाँ पर भी ग्लास लगा ही देता हूँ लगे हाथ। तो हमें यहाँ पर भी ग्लास को इस टाइप से सीधा ही सीधा लगा देना है।
यहाँ तक का। तो हमने अपने सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए एक स्टेयर्स तो बना लिए। अगला काम रहेगा कि हम यहाँ पे एक बाउंड्री बनाते हैं और इसके आगे ये बालकनी बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे बाउंड्री होना ज़रूरी है। तो इसे ऐसे करके कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे भी लगाते हैं वुड्स के प्लैंक इस टाइप से, और बाकी सामने के साइड पे मैं पूरा ग्लास ही लगाने वाला हूँ क्योंकि ग्लास काफ़ी ज़्यादा सही लुक देगा। वेट, ये ग्लास इसे हम लगा देते हैं यहाँ पे, इसे कर देते हैं पूरा कंप्लीट। ऊपर से लगा तो ऊपर से ईजी रहेगा। एक यहाँ पे, एक ऊपर, एक यहाँ पे, एक ऊपर। ओके, तो फाइनली मैंने अपने सेकंड फ्लोर का पूरा कंप्लीट कर दिया ग्लास लगा के। और अब हमें यहाँ पे बनाना है एक अपने लिए बालकनी। तो बालकनी बनाने के लिए मुझे यहाँ पे इसके लेवल में एक ब्लॉक लेके जाना है। वेट, मैं बताता हूँ, इस वाले ब्लॉक को हमें यहाँ पे प्लेस करना है, ये सेंटर में है ना, नहीं एक अंदर के साइड पर आनी है। तो हमें इस वाले ब्लॉक को यहाँ से लेके जाना है और आई थिंक ये इसके सामने ही होगा। तो इसे वेट, इसे भी यहीं से लेके जाते हैं ना, यहाँ से कुछ इस टाइप से लेके जाना है इसे, इसकी हाइट में, और इसे इसमें मिला देते हैं। ये बन गई हमारी बालकनी, इसमें बाउंड्री बना देते वरना कोई बच्चा उच्चा नीचे गिर जाएगा। तो हमने बना दिए बाउंड्री, अब यहाँ से कोई नीचे नहीं गिरेगा, हम भी नहीं गिर सकते। ओके गाइस, तो फाइनली हमारा माइनक्राफ्ट मॉडर्न हाउस पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसके अंदर ज़्यादा सामान नहीं रखा है, आप जो चाहते हो वो रख सकते हो अपने घर में। बाकी मैंने यहाँ पे दो सोफे लगा दिए, एक बालकनी में, एक रूम में, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रहे हैं। और इसके बाद चलते हैं नीचे के। ये हो गया पार्किंग, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो। और ये बन गया हमारा मॉडर्न हाउस। तो दैट्स इट गाइस, आज के इस वाले वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वाला वीडियो या ये मॉडर्न हाउस अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।